ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी करने से पहले सावधान हो जाओ, अगर ठेकेदार हो तो माथे पर हेलमेट पहन के काम करवाया करो, वरना बाप कसम काटता है। छज्जे के साथ ऐसा गिरोगे कि माथा का बाल फूट जाएगा, नाक का और भैया मुंह का नक्शा बदल जाएगा। और देखो भैया स्कूटी का तो खरबूजा निकल गया। जैसा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जमके शहर के भैया मेन नाके चौराहे का मामला, जहाँ पर सूचना मिली तो नगर कोतवाली की भैया पुलिस पहुंची। नगर कोतवाल संजय मौर्य पहुंचे और घायलों को तत्काल बाराबंकी जमके ड्रामा सेंटर ले जाया गया। अब दुनिया की हालत तो भैया ठीक है ठाक थी, उनको बकायदा भेज दिया गया इलाज करने के बाद। लेकिन देखो ठेकेदार साहब का नक्शा बदल गया, हालत बिगड़ गई, इनको भर्ती कराना पड़ा। अब बकायदा सूचना दी गई तो भैया परिजन पहुंचे, देखो उनके परिजन मामले जानकारी देते हैं। अब इनका नाम भैया राममिलन है और राममिलन के दो छोटी बच्चे हैं, अब आज विकास के भैया काशी राम कॉलोनी के रहने वाले। इनका क्या नाम है? राममिलन। कहाँ के रहने वाले? काशीराम कॉलोनी। कैसे चोट लगा इनको? पहुंची तो भैया आपको यही बताएंगे कि छज्जे से गिर गए नीचे, तब तो चोट आ गई। लेकिन जो सूत्रों के हवाले हमको जानकारी मिली, जो बकायदा वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि भैया ऊपर छज्जा तोड़ा जा रहा था, पुरानी प्राइवेट बिल्डिंग है भैया, इसको तोड़ करके नई बिल्डिंग बनेगी या ना जाने भैया इस पर और काका चीजें बनेंगी पता नहीं, पर पुरानी जर्जर बिल्डिंग थी जिसको तोड़ने काम काफी दिनों से चल रहा था। इस दरमियान जब ऊपर का छज्जा तोड़ा जा रहा था तो छज्जे के साथ ठेकेदारों गिर गए और दो तीन लेबरों गिर गए। क्या कर रहे थे छज्जे को? काम करवा रहे। अच्छा, और कौन इनके कितने बच्चे अच्छे हैं? दो बच्चे। अच्छा, ठेकेदारी करते हैं। और भी किसी को चोट आई? और किसी को लेबर को आए थे तो चले गए। अच्छा, और कुछ नुकसान हुआ आपका? आपकी गाड़ी भी टूट गई। गाड़ी की बड़ी चिंता भैया, यहाँ पर आदमी का माथा कपार फूटा पड़ा, पट्टी बनना पड़ा है। ये तो भला भैया नगर कोतवाल साहब को जो मौके पर पहुंच गया है और तुरंत जिला अस्पताल के ड्रामा सेंटर में भर्ती करा देगा। देखो भैया उपचार प्रसार चल रहा है, पर फिलहाल बाराबंकी जम फंस उत्तर प्रदेश के लिए A24 की बात होगी। वैसे बहुत बड़ी लापरवाही ठेकेदार साहब की, अब कम से कम माथे पर हेलमेट पहना करिए और सूट आता सूट पहना करिए, कम चोटें आएंगी। काम तो शुरू कर देते हो लेकिन सेफ्टी का ख्याल ही नहीं रखते हो। अरे घर की चिंता कर दिया करो, पर चैनल कहता है मुझे।